हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया। तो आज हम बना रहे हैं पपीते की बर्फ़ी। तो आपके साथ हम उस रेसिपी को शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने पपीते के छिलके को काट दिया था, उसके बाद पपीते के बारीक जो पीसीस कर दिए थे। फिर हमने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाले थे। आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में आपने बनाना है। तो हमने थोड़ा ही बनाना था तो हमने 2 चम्मच घी डाल दिए थे। उसके बाद हमने कटे हुए पपीते को कढ़ाई में डाल दिया था और उसको अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम फिर चेक करेंगे कि पपीता कितना पका है। तो आप देख सकते हैं कि ये पक रहा है, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने निकाल दी थी इलायची। तो इलायची का जो फ्लेवर है वो पपीते की बर्फी में काफ़ी अच्छा आता है। तो हमने इलायची के दाने अलग से निकाल दिए थे, क्योंकि अगर आप पूरी इलायची डालते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने दाने अलग निकाल दिए थे। और हमने यहाँ एक कटोरी में ले लिया था मिल्क पाउडर। तो अब हम फिर से चेक करेंगे कि पपीते की बर्फी कैसी पक रही है। तो अब हमने इसमें ऐड कर दिया था मिल्क पाउडर, और आप मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें डाल दिए थे इलायची के दाने, तो जिससे आपकी खुशबू भी अच्छी आएगी और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं नारियल का बुरादा। तो आप देख सकते हैं कि मम्मी ने नारियल का बुरादा डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हमने डाल दी थी शुगर। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमने अपने पपीते की बर्फी की क्वांटिटी के हिसाब से शुगर डाली है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए, यहाँ हमने शुगर मिक्स कर दी है। अब हमने एक कटोरी में ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें बादाम, किशमिश और आपकी कोकोनट है। तो इसके बारीक पीसेस कर लेंगे। फिर उस बर्फ़ी पकने के बाद ड्राई फ्रूट्स को उसमें ऐड करेंगे। और यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब हम बना रहे थे तो क्वांटिटी कितनी थी और बनने के बाद क्वांटिटी कितनी सी रह गई है। तो उसके बाद हमने ड्राई फ्रूट्स को जो ग्राइंड कर दिया था, और पहले मम्मी ने इसको पतला पतला काटा, उसके बाद हमने ग्राइंड कर दिया था। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी बर्फ़ी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो रही है। अब एक थाली में मम्मी ने अच्छे से घी लगा दिया था, ताकि जब हम बर्फ़ी थाली में सर्व करें तो वो चिपके नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मम्मी थाली में घी लगा रहे हैं, और अब हमने बर्फी को जो है थाली में सर्व करना शुरू कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम सर्व करेंगे। उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड किए थे वो डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है, और बाय गॉड मैंने ये टेस्ट भी करी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो अगर आपको भी हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी अपने घर में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, पपाया जनरली लोग सब खाते हैं और सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो आज हमने पपाया जो है वो बर्फ़ी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि पपाया की बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड किए थे वो इसके ऊपर रखेंगे और इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।